पटना में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो लालू जी के सुपुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा है मैं तभी बेड रेस्ट लूंगा जब मोदी को बेड रेस्ट करवा दूंगा, ये किस लेवल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस और राजद को रेस्ट दे दिया है। मैं तेजस्वी जी को यही कहना चाहता हूं, 10 साल से देश में आपको आपके परिवारवादी की जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस को जनता ने रेस्ट दे दिया है। मैं पॉलिटिकल रेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आप जैसे मैं इस लेवल पर उतर के मैं बात करने मैं सीखा भी नहीं, मैं बात करता भी नहीं। और बिहार में नाउ इट इज मोर देन 10 ईयर्स आप लोगों को जनता ने रेस्ट दे दिया है। आगे भी पॉलिटिकली आपको बेड रेस्ट ही देने वाले हैं जनता, ये आप समझ के रखिए। एक व्यक्ति 23 साल में 13 ईयर्स एज चीफ मिनिस्टर, 10 ईयर्स एज प्राइम मिनिस्टर, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया है, एक दिन भी हॉलिडे नहीं लिया है, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे बयान देना, ये जनता अपने आप देख रहे हैं। जून 4 तक इंतजार करिए, आप लोगों को जनता फिर से एक बार पॉलिटिकली बेड रेस्ट में भेजने वाले है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन का मतलब है वोट बैंक की राजनीति। इंडी गठबंधन यानी वोट बैंक की राजनीति, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, वो लोग राजनीति करते, इवन जब आतंकी घटना होते हैं तब भी दे ट्राई टू आइडेंटिफाई। अभी अभी बेंगलुरु में रामेश्वर कैफे में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी स्टेट पार्टी का, दैट वाज अ सिलेंडर ब्लास्ट। देन होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री टू कॉल इंफॉर्मेशन एंड हैंडेड ओवर द केस टू NIA, नाउ एंटायर डिटेल हैज कम आउट that is a terrorist activity, it was a terrorist act and they had linked with ISIS. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको नेता भी नहीं है so far, अगर the so called इंडी गठबंधन, क्योंकि राहुल बाबा गए केरल में, CPI और CPM ने पूछा आप क्यों इधर आए, और उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ममता दीदी ने कहा आप 42 जिता के देखो, चैलेंज किया। तो फिर भी अगर आप इंडी गठबंधन बोलते हैं तो आपका नेता कौन है? नीति तो लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार परिवारवाद, वही इंडी गठबंधन का नीति है, भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टीकरण। मैं पूछना चाहता हूं, हु इज योर लीडर? प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक व्यक्ति 23 साल में 13 वर्ष चीफ मिनिस्टर, 10 वर्ष प्राइम मिनिस्टर, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया, एक दिन भी हॉलीडे नहीं लिया, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे बयान देना, ये जनता अपने आप देख रही है। आप लोगों को जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो या फिर RJD हो, परिवारवाद पार्टी हो, दोनों परिवारवाद पार्टी, अपने चारा घोटाले से लेकर नौकरी के बदले जमीन तक आपने जो कुछ भी घोटाला किया है, उधर से लेकर इधर तक आपकी घोटाले में घोटाले हैं और आप बोलते हैं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।